नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। एकदम से कोई पकड़ में नहीं आता साधु। अपने को सोचने का अलाउड नहीं है, अपने को सिर्फ उंगली है, घोड़ा किसने का। साल 2004 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अब तक 56। शमित अमीन द्वारा निर्देशित ये फिल्म मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के जीवन पर आंशिक रूप से आधारित थी। नाना पाटेकर इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे और इसमें मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी के CIU की कहानी दिखाई गई थी। नब्बे का दशक वो समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए व्यापारियों, बिल्डरों और बॉलीवुड वालों को धमका के उनसे पैसे वसूलना एक बहुत ही आम सी बात हो चली थी। इस वसूली के लिए अंडरवर्ल्ड को कुछ खास करना भी नहीं पड़ता था, बस एक फोन कॉल और पैसा खुद ब खुद चल के उनके पास आ जाया करता था। और यदि कभी कभार किसी ने हिम्मत दिखाते हुए पैसा देने में आनाकानी की तो फोन के बटन दबाने की जगह अंडरवर्ल्ड के शार्प शूटर्स अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया करते थे। हालत ये हो चली थी कि धनवान वर्ग के साथ साथ मुंबई के आम लोगों में भी अंडरवर्ल्ड की दहशत पैदा होने लगी थी और इसी दहशत को जड़ से मिटाने के लिए 1999 में CIU का गठन किया जाता है। अपने नाम पर 113 एनकाउंटर्स दर्ज करने वाले प्रदीप शर्मा को इस यूनिट का हेड बनाया जाता है और वो खुद अपने हाथों से महाराष्ट्र पुलिस के बेदाग रिकॉर्ड वाले कुछ जाबाज ऑफिसर्स को चुनते हैं। ऐसे ही एक जाबाज ऑफिसर का नाम था सचिन हिंदूराव वजह। अपनी 30 साल की नौकरी में आधे से ज्यादा समय सस्पेंड रहने वाले वजह की कहानी के सामने अब तक 56 की कहानी भी फीकी पड़ जाती है। किताबों का लेखन, मराठी फेसबुक और देसी मैसेंजर ऐप बनाने से लेकर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने तक वजह ने जीवन में सब कुछ करके देखा हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। लेकिन 16 साल के सस्पेंशन के बाद जब उन्हें एक बार फिर खाकी पहनने का अवसर मिला तो ये उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, अध्याय जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी से शुरू हुआ यह अध्याय एक अत्यंत पेचीदा शतरंज का खेल बन चुका है और अब बस ये पता चलना बाकी है कि सचिन वजह इस खेल के खिलाड़ी हैं या फिर मात्र एक मोहरा। यदि खिलाड़ी हैं तो फिर क्यों उन्हें ऐसा खेल रचने की आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, और यदि मात्र एक मोहरा है तो फिर इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। नमस्कार, जय मां भारती। सचिन हिंदूराव वजह का जन्म 1972 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही बहुत ही सीधे साधे ईमानदार से लोग थे जो मेहनत करके अपनी रोटी कमाया करते थे। उधर बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाला सचिन अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टेट पुलिस सर्विस का एग्जाम क्लियर करता है और महाराष्ट्र पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है। पुलिस अकेडमी से बिल्कुल ताजा ताजा निकले सचिन वजह की पहली ही पोस्टिंग ऐसी थी जिसे पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उन्हें नक्सलियों के प्रभाव वाले गढ़चिरौली में पोस्ट कर दिया गया था, जहां आए दिन पुलिस वालों और सरकारी अफसरों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन वजह अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें फोर्स में ऊपर चढ़ना है, नाम और प्रसिद्धि कमानी है तो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं बल्कि एक पैशन की तरह निभाना होगा। अपनी जान की परवाह किए बिना अपने काम को अंजाम देना होगा। गढ़चिरौली में बिताए 2 सालों के दौरान सचिन वजह कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठने के बजाय ज्यादातर समय फील्ड में बिताते हैं और नक्सलियों को कमजोर करने के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना भी करते हैं। और गढ़चिरौली में किया गया सचिन वजह का यह काम बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता। वो अपनी होशियारी और जांबाजी की वजह से जल्दी अपने सीनियर्स की नजरों में आ जाते हैं और 1992 में उनका ट्रांसफर थाने सिटी में कर दिया जाता है। अब 90 के दशक में जहां गढ़चिरौली में नक्सलियों ने कोहराम मचाया हुआ था, वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में अंडरवर्ल्ड ने।
सचिन वजे को थाने के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पोस्ट किया जाता है। मुंब्रा एक ऐसा इलाका जिसकी नींव में रेत और पत्थर की जगह गंधक और गुस्सा भरा हुआ था। 92 के दंगों के बाद मुंबई के बहुत सारे इलाकों से बड़ी तादाद में मुसलमान आबादी मुंब्रा की तरफ पलायन कर रही थी। 1992 के मुंब्रा में जहां केवल 45,000 मुसलमान रहा करते थे, वहीं 2011 खत्म होते होते ये संख्या 9,00,000 होने वाली थी। '93 का आगमन हो चुका था और मुंब्रा बहुत तेजी से बदल रहा था। जितनी तेजी से आम लोगों की आबादी बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से असामाजिक तत्व भी बढ़ते जा रहे थे। अपराध तेजी से फैल रहा था और इसी अपराध पर काबू पाने का जिम्मा सचिन वजे को सौंपा जाता है। लेकिन वजे जानते थे कि अगर उन्होंने स्थानीय गैंग्स के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही की तो इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास जरूर किया जाएगा, जिसके बहुत ही ज्यादा गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के बाद सचिन वजे मुंब्रा के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वो एक एक कर इलाके के नामी ग्रामी गुंडों और बदमाशों को निशाना बनाने लगते हैं। शुरू से ही प्रदीप शर्मा को अपना हीरो मानने वाले वजे भी हथकड़ी से ज्यादा अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। वजह के काम करने का ये तरीका उनके ऊपर बैठे अफसरों को भी काफी पसंद आता है और कुछ ही सालों के भीतर उन्हें थाने पुलिस के स्पेशल स्क्वाड का हेड बना दिया जाता है। '97 की शुरुआत में बनाए गए स्क्वाड का काम वसूली और हिंसा के बढ़ते केसेस के ऊपर लगाम कसना था। स्पेशल स्क्वाड के हेड के तौर पर सचिन वजे मुंबई थाने एरिया में कई एनकाउंटर्स को अंजाम देते हैं और यहां किए गए अपने काम के कारण ही वजे का एक बहुत पुराना सपना भी पूरा होने वाला था, सपना जो वो खाकी पहनने के पहले दिन से देखते आ रहे थे। 1999 में CIU का गठन किया जाता है। प्रदीप शर्मा को इसकी कमान सौंपी जाती है और वो खुद अपने हाथों से महाराष्ट्र पुलिस के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स को भर्ती करना शुरू कर देते हैं। इस समय तक सचिन वजे ये नहीं जानते थे, लेकिन स्पेशल स्क्वाड में अपने प्रदर्शन से वो शर्मा को काफी ज्यादा प्रभावित कर चुके थे और शायद इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के शर्मा उन्हें अपने साथ CIU में शामिल कर लेते हैं और इस तरह अपने हीरो के साथ कंधे से कंधा मिला काम करने का वजे का यह सपना पूरा हो जाता है। भारत और महाराष्ट्र एक नई सदी में प्रवेश कर चुके थे और बहुत थोड़े से ही समय में CIU मुंबई और आसपास के इलाकों से अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को काफी हद तक खत्म कर चुकी थी। प्रदीप शर्मा के अंडर काम कर रहे वजह अपनी लाल डायरी में एक के बाद एक एंट्रीज करते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र पुलिस में शर्मा और नायक के बाद यदि किसी को याद रखा जाएगा तो वो वजह ही होंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो वजह की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। दो दिसंबर 2002 को शाम का समय हो चला था। दफ्तरों की छुट्टी हो रही थी, सड़कों पर ट्रैफिक और लोकल ट्रेन्स में भीड़ अपनी चोटी पर थी। रोज ही की तरह आज की शाम भी घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की आवाजाही हो रही थी कि तभी स्टेशन के बाहर खड़ी BST की एक बस में बहुत जोर का धमाका होता है। घाटकोपर के इस आतंकी हमले में 2 लोग मारे जाते हैं जबकि 50 से ज्यादा घायल होते हैं। इस केस को सॉल्व करने का जिम्मा भी CIU को सौंपा जाता है और 25 दिसंबर के दिन वजह के नेतृत्व वाली एक टीम इस केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक युवक का नाम था ख्वाजा यूनुस सैयद अयूब। इन गिरफ्तारियों के लगभग 2 हफ्ते बाद 7 जनवरी के दिन CIU द्वारा एक रिपोर्ट फाइल की जाती है, रिपोर्ट जो महाराष्ट्र पुलिस में एक भूचाल पैदा कर देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ख्वाजा यूनुस नाम का आरोपी पुलिस कस्टडी से गायब हो चुका था। पुलिस की कहानी ये थी कि यूनुस समेत कुल 3 आरोपियों को औरंगाबाद ले जाया जा रहा था। अहमदनगर से गुजरते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और इसका फायदा उठा तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले थे। इस मामले की जांच करने के लिए बिना कोई समय गवाए परनेर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कर ली जाती है। एक विशेष पोटा अदालत खुद इस पूरे मामले की जांच करती है और अपनी जांच में पुलिस की कहानी को निराधार पाती है। यूनुस का सह आरोपी मतीन, जो पुलिस के अनुसार भागने वाले उन 3 आरोपियों में से एक था, कोर्ट के सामने बयान देता है कि ना ही उनको कभी कहीं ले जाया जा रहा था और ना ही कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था।
मतीन अदालत को बताता है कि यूनुस उसके साथ वाली सेल में ही बंद था और 6 जनवरी 2003 की उस रात उसे पीटे जाने की आवाजें दूर दूर तक साफ सुनाई दे रही थी। मतीन के इस बयान के अनुसार यूनुस ना ही कहीं गायब हुआ था और ना ही भागा था, बल्कि पुलिस के हाथों मारा जा चुका था। यूनुस का तीसरा सह आरोपी भी कोर्ट में यही बयान देता है और मई 2003 में यूनुस की मृत्यु का ये केस सीआईडी को सौंप दिया जाता है। लगभग एक साल बाद सीआईडी दावा करती है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिल चुके हैं और इन्हीं सबूतों को आधार बनाते हुए वो 3 मार्च 2004 के दिन सचिन वजे समेत कुल 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेती है। इन चारों खाकीधारियों को ही जाँच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया जाता है। अपनी जांच पूरी कर सीआईडी अक्टूबर 2006 में कुल 14 पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है, जिनमें सचिन वजे और उनके साथ सस्पेंड हुए वो 3 ऑफिसर्स भी शामिल थे। 2007 में सचिन वजे अपनी बहाली के लिए महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं, जो खारिज हो जाती है। सरकार के इस फैसले से नाराज वजे 30 नवंबर 2007 के दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। अपने इस्तीफे के कुछ महीनों बाद वो राजनीति में आने का निर्णय करते हैं और आधिकारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो जाते हैं। ।2007 में फोर्स से इस्तीफा देने के बाद का ये समय ही था जब सचिन वजे साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं। 2010 में वो फेसबुक जैसी एक मराठी सर्विस लॉन्च करते हैं जिसका नाम था लई भारी। लईभारी.com आपला मराठी फेसबुक। लई भारी के बाद 2012 में वो इंडियन पीपल डायरेक्ट्री .com नामक एक देसी सर्च इंजन भी लॉन्च करते हैं। इस सर्च इंजन की फ्री और पेड सर्विसेज का इस्तेमाल कर किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर डिटेल्ड बैकग्राउंड सर्च की जा सकती थी। टेक्नोलॉजी के अलावा सचिन वजे लेखन में भी अपना हाथ आजमाते हैं और 2012 में 26/11 के ऊपर जिनकून हरलेली लड़ाई नामक एक मराठी किताब लिखते हैं। इस किताब में 26/11 की प्लानिंग और उस दिन हुए NSG ऑपरेशन की बारीक से बारीक डिटेल्स का उल्लेख किया गया है। इसके 7 साल बाद 2019 में वो शिरीष थोराट नामक एक पूर्व पुलिस अफसर के साथ मिलकर द स्काउट नाम से एक अंग्रेजी किताब लिखते हैं, जिसमें डेविड हेडली केस की विस्तृत डिटेल्स दी गई हैं। लगभग 14 साल चले कानूनी दांव पेचों और तीनों पक्षों की तरफ से दायर की गई सैकड़ों अपील्स के बाद जनवरी 2018 में प्रोसिक्यूशन यूनुस केस में अपने सबसे पहले गवाह मतीन को एग्जामिन करता है। मतीन के बाद इस केस में आज तक किसी भी गवाह को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखन, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमाने के बाद सचिन वजे अभी आगे की योजनाएं बनाने में लगे ही होते हैं कि तभी पूरी दुनिया कोरोना नामक इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं। यह महामारी जो पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप बनकर आई थी, सचिन वजे के लिए वरदान बनने वाली थी। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत और उसके ज्यादातर राज्य भी इस महामारी की चपेट में आ चुके थे। रोजाना हजारों लाखों के हिसाब से केसेस बढ़ रहे थे और महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक था जहां मामले कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे थे। इस महामारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार को और ज्यादा पुलिस वालों की आवश्यकता थी और इसीलिए कई सस्पेंडेड पुलिस वालों को दोबारा नौकरी पर बहाल किया जाने लगता है। दोबारा बहाल हुए इन पुलिस वालों में सचिन वजे भी शामिल थे। अब राज्य सरकार तो ये कह रही थी कि वजह की बहाली सिर्फ और सिर्फ महामारी के कारण हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही बातें चल रही थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुलासा करते हैं कि 2018 में भी शिवसेना ने उनके ऊपर वजह को बहाल करने के लिए काफी दबाव बनाया था। फडणवीस दावा करते हैं कि उस समय खुद उद्धव ठाकरे ने उनको फोन करके सचिन वजे को वापस फोर्स में लाने का आग्रह किया था, लेकिन एडवोकेट जनरल के साथ सलाह मशवरा करने के बाद फडणवीस ने आग्रह अस्वीकार कर दिया था। खैर जो भी हो, लेकिन 2020 के महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी। पूरे 16 साल का वनवास काटने के बाद सचिन वजे फोर्स में वापस आ चुके थे और वापस आते ही उन्हें क्राइम ब्रांच में पोस्ट कर CIU का हेड बना दिया जाता है। एक इंस्पेक्टर जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा हो, जो 1.5 दशक से ज्यादा समय खाकी से दूर रहा हो, ऐसे ऑफिसर को वापस आते ही मुंबई पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण विभाग का सर्वे सर्वा बना दिया जाता है।
16 साल तक सस्पेंड रहने और फोर्स में काफी जूनियर होने के बावजूद भी वजह को एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण केसेस सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स बढ़ाने का केस जिसमें रैपर बादशाह मुख्य आरोपी था। ऐसा ही दूसरा केस था टीआरपी केस, जिसमें टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी के ऊपर टीआरपी खरीदने का आरोप लगाया गया था। अन्वय मलिक आत्महत्या केस, जिसमें अर्नब गोस्वामी मुख्य आरोपी हैं। दिलीप छाबड़िया केस और ऋतिक रोशन का फेक ईमेल केस भी सॉल्व करने के लिए सचिन वजे को ही सौंपा जाता है। मुंबई पुलिस और राजनीतिक वर्ग के बड़े से बड़े खिलाड़ी भी ये देखकर हैरान थे कि एक ऐसा जूनियर ऑफिसर जो पूरे 16 साल तक फोर्स से बाहर रहा हो, उसे वापस आते ही एक के बाद एक इतने इम्पोर्टेंट केसेस आखिर क्यों दिए जा रहे हैं। सचिन वजे एक के बाद एक कई हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल कर रहे थे, लेकिन खुद को बड़ी ही चतुराई से सुर्खियों से दूर रखा हुआ था। अन्वय मलिक केस में जो पुलिस टीम अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी, उसे वजे ही लीड कर रहे थे और गोस्वामी के हाथों में हथकड़ियां भी उन्होंने ही पहनाई थी। मुंबई में इतना कुछ घट रहा था, मीडिया पर रात दिन हो हल्ला मचा हुआ था, लेकिन एक भी चैनल की नजर सचिन वजे और उनके दागी इतिहास के ऊपर नहीं जाती। मीडिया में हर समय एसएसआर रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, अर्नब गोस्वामी, परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे छाए हुए थे, और वहीं लाइमलाइट से बहुत दूर बिल्कुल चुपचाप सचिन वजे एक वफादार मोहरे की तरह एक के बाद एक अपनी चालें चलते जा रहे थे। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर से केवल 600 मीटर की दूरी पर एक हरे रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। इस गाड़ी के अंदर से जेलेटिन की 20 छड़ियां और एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी बरामद की जाती है। मुकेश और नीता अंबानी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में विस्फोटकों को सिर्फ एक ट्रेलर बताते हुए पूरे अंबानी परिवार को खत्म करने की बात लिखी हुई थी। दो दिन बाद 27 तारीख को एक टेलीग्राम अकाउंट पर डाली गई पोस्ट में अंबानी को धमकी देते हुए क्रिप्टोकरेंसी के रूप में फिरौती की मांग की जाती है। इस अकाउंट का नाम था जैशुल हिंद, यानी के JUH। इसी दिन शाम को असली JUH होने का दावा करने वाला एक और ग्रुप पोस्ट करके कहता है कि अंबानी निवास एंटीला के बाहर मिली इस स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका कोई लेना देना नहीं है। 48 घंटों के भीतर उस हरी स्कॉर्पियो के मालिक को ट्रेस कर लिया जाता है। ये गाड़ी थाने में ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करने वाले एक व्यापारी मनसुख हिरेन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस को लगने लगता है कि अब ये केस जल्द ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। थोड़े बहुत गलत नहीं, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा गलत। गाड़ी के मालिक का पता लगने के साथ ही ये केस अपने सर के बल घूम जाता है। जांच में पता चलता है कि मनसुख हिरेन ने तो ये गाड़ी नवंबर 2020 में अपने एक बहुत पुराने ग्राहक को इस्तेमाल करने के लिए दे दी थी, ग्राहक जिसका नाम था सचिन हिंदूराव वजह। लगभग 4 महीने गाड़ी चलाने के बाद 5 फरवरी 2021 को गाड़ी के स्टीयरिंग में दिक्कत की शिकायत करते हुए वजह ये स्कॉर्पियो गाड़ी मनसुख हिरेन को वापस कर देते हैं। लगभग 2 हफ्ते बाद 17 फरवरी के दिन मनसुख हिरेन ये गाड़ी चला रहे थे कि तभी इसका स्टीयरिंग अचानक जाम हो जाता है और उनको अपनी ये स्कॉर्पियो गाड़ी विक्रोली में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पार्क करनी पड़ जाती है। लेकिन अगले दिन मैकेनिक को ले जब मनसुख हिरेन उस स्पॉट पर वापस पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी वहां से गायब हो चुकी होती है। थोड़ी देर तक इधर उधर पूछताछ करने के बाद मनसुख हिरेन विक्रोली पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी गायब होने के बाद आने वाले दिनों में कुछ तो ऐसा होता है जिससे हिरेन और वजह के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। 2 मार्च 2021 के दिन मनसुख हिरेन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख, कमिश्नर परमबीर सिंह और थाने पुलिस चीफ विवेक फंसलकर को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो वजह के ऊपर हरासमेंट यानी के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हैं। इस चिट्ठी के 2 दिन बाद कांदीवली क्राइम ब्रांच से तावड़े नाम का कोई ऑफिसर हिरेन को फोन करके उन्हें अगले दिन थाने की घोड़बंदर रोड पर मिलने के लिए बुलाता है। रोज ही की तरह 5 मार्च की सुबह भी मनसुख हिरेन अपने घर से काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी विमला को किसी विशेष मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताते।
इसी दिन पूरे 5 घंटों तक नॉट रीचेबल और लापता रहने के बाद मनसुख हिरेन मिल तो जाते हैं लेकिन जीवित नहीं, मृत अवस्था में। मुश्किल से 24 घंटों की जांच के बाद पुलिस दावा करती है कि यह आत्महत्या का केस हो सकता है और शायद मनसुख हिरेन ने कलवा खाई में कूदकर खुद की जान दे दी है। लेकिन हिरेन की पत्नी विमला पुलिस के इस दावे को गलत बताते हुए सचिन वजय के ऊपर अपने पति की हत्या करने का आरोप मढ़ देती है। इसी दिन ऑपोजिशन के नेता देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में मनसुख हिरेन के कॉल रिकॉर्ड्स को लहराते हुए दावा करते हैं कि हिरेन के फोन की आखिरी लोकेशन शिवसेना के एक नेता धनंजय गावड़े के ऑफिस के पास थी। अब ये धनंजय गावड़े कौन है? धनंजय गावड़े वो हैं जिनको सचिन वजे का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। इतना अच्छा दोस्त के 2017 के एक वसूली मामले में दोनों दोस्तों का एक साथ नाम भी आ चुका है। बैकफुट पर आ चुकी महाराष्ट्र सरकार घोषणा करती है कि वजय को क्राइम ब्रांच से हटा दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। वजय का बचाव करते हुए खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सचिन वजय एक पुलिस ऑफिसर हैं, कोई लादेन नहीं। परंतु देख चित्र निर्माण केले जाते की जणू काही सचिन वजय म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे। शायद मेरे इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक मामूली से इंस्पेक्टर के बचाव में बयान दे रहा हो। उद्धव ठाकरे के इसी बयान के चलते फडणवीस मीडिया के ऊपर उन्हें सचिन वजे का वकील बुलाने लगते हैं। 11 मार्च को दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल के एक बैरक से वो फोन और सिम कार्ड बरामद कर लेती है जिसका इस्तेमाल अंबानी परिवार को धमकी देने के लिए किया गया था। इस बैरक में कुल 8 कैदी रह रहे थे जिनमें से एक का नाम है तहसीन अख्तर और ये आईएम से संबंध रखता है। इसी सिम कार्ड और फोन का प्रयोग कर जेयूएच नामक वो टेलीग्राम अकाउंट बनाया गया था जिसने स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी लेते हुए अंबानी से फिरौती मांगी थी। इसी दौरान मनसुख हिरेन और एंटीला के बीच लिंक्स ढूंढ रही महाराष्ट्र एटीएस सचिन वजे से पूछताछ करना शुरू कर देती है और वहीं दूसरी तरफ एनआईए की एक टीम मुंबई थाने और पालगढ़ में छापे मारने लगती है। पूरे 12 घंटों की पूछताछ के बाद 13 मार्च की देर रात सचिन वजे को एनआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने से ठीक पहले सचिन वजे व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा ये स्टेटस डालते हैं, दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ चुका है। अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज में एनआईए को एक इनोवा गाड़ी दिखाई पड़ती है जो हर समय उस स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा करती हुई नजर आ रही थी। जब एनआईए इस गाड़ी को ढूंढ अपने ऑफिस लेकर आती है तो पता चलता है कि ये इनोवा गाड़ी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की है। इस गाड़ी को चलाने वाले 2 ड्राइवर्स और पीछे बैठने वाले 2 ऑफिसर्स को भी एनआईए के ऑफिस बुलाया जाता है। ये दोनों ही ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच की उसी टीम का हिस्सा थे जिस टीम का हेड सचिन वजे को बनाया गया था। तीन दिन बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटाकर होमगार्ड्स में भेज दिया जाता है। वही परमबीर सिंह जिनको कुछ दिन पहले तक उद्धव ठाकरे का अत्यंत वफादार सेनापति माना जा रहा था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा धमाका होना अभी भी बाकी था। अपने तबादले के 2 दिन बाद परमबीर सिंह उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखते हैं जिससे महाराष्ट्र समेत पूरे देश में एक राजनीतिक भूचाल आ जाता है। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह दावा करते हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजे के साथ और भी कई पुलिस ऑफिसर्स को रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ऐसे ही दूसरे संस्थानों से हर महीने कम से कम 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का आदेश दिया हुआ था। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट सीबीआई को अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच करने का आदेश दे देती है। अनिल देशमुख जो अब तक इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस्तीफा देने से मना करते आ रहे थे, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अभी भी कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि सचिन वजे इस खेल के मास्टरमाइंड हैं या फिर मात्र एक मोहरा। यदि वो मोहरा हैं तो फिर इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है?
एंटीला केस में अभी तक मिले सारे क्लूज सिर्फ और सिर्फ वजह की तरफ ही इशारा करते हैं, लेकिन इन क्लूज की जांच करते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वजह शिवसेना के कितने ज्यादा करीबी रहे हैं। खुद एक शिव सैनिक रह चुके सचिन वजह पार्टी के कई बड़े नेताओं के बेहद करीबी माने जाते हैं, और ये शिवसेना ही थी जो किसी भी कीमत पर उन्हें फोर्स में वापस लाना चाहती थी। सचिन वजह की शिवसेना के साथ करीबी आने वाले समय में ठाकरे सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है, और पार्टी को ये बात अच्छे से पता है। पार्टी और वजह के बीच के कनेक्शन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए शिवसेना ने अपना खेल खेलना भी शुरू कर दिया है, और इस खेल की सबसे पहली चाल चली है संजय राउत ने। उनके द्वारा सामना में लिखे गए एक लेख में वो इस पूरे मामले को ले अनिल देशमुख और एनसीपी के ऊपर तो उंगली उठाते हैं, लेकिन वजह के साथ उनकी पार्टी के रिश्तों पर कोई सफाई प्रस्तुत नहीं करते। सचिन वजह के साथ अपने रिश्तों पर शिवसेना चाहे कितने ही पर्दे डालने की कोशिश करे, लेकिन इस केस में कुछ बातें ऐसी हैं जो तथ्य यानी कि फैक्ट्स की श्रेणी में आती हैं, ओपिनियंस की नहीं। फैक्ट नंबर एक ये कि सचिन वजह खुद एक शिव सैनिक रह चुके हैं। फैक्ट नंबर दो, सचिन वजह के शिवसेना के कई बड़े नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। फैक्ट नंबर तीन, सचिन वजह को फोर्स में वापस लाने का निर्णय उद्धव ठाकरे और शिवसेना का था, न कि अनिल देशमुख और एनसीपी का। फैक्ट नंबर चार, वजह की बहाली के बाद से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत खुलकर उनका बचाव करते आ रहे हैं, वो भी दबे शब्दों में नहीं बल्कि अपनी छाती चौड़ी करके बिल्कुल खुले शब्दों में। मैं मानता हूँ कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है, इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है, बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है।